हाँ जी बच्चों, तो ये हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है, फाइनल अकाउंट की। और हम लोगों को जो है क्वेश्चन मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में जो सेंड किया था वो इस तरीके से है, और ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है, बातें नहीं करेंगे, इधर देखिए केवल ध्यान से। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं सर। सबसे पहले एडजस्टमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है सर, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जिस पे खरीदा गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एक बात उठी है, अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, मेरे मन में एक पॉइंट आया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे मेरी बात को। एक क्वेश्चन था, एक प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर की एक प्यारा सा पॉइंट था। उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी, एक प्लांटेड मशीनरी थी सर, अनरिकॉर्डेड। कितने की? करीब 35,000 रुपए की, 35,000 रुपीज। ठीक है, अनरिकॉर्डेड थी, और ये 2 साल बाद रिकॉर्ड की गई। 2 साल बाद इसका पता लगा, तब तक हम इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगा रहे थे। ओरिजिनल कॉस्ट की बात हुई ना, तो याद आया, तो 10% डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर लगा रहे थे। लेट से इसको हमने खरीदा था 2019 के अंदर, और इसको हमने आइडेंटिफाई किया 2021 के अंदर। तो हमारे पास में 2019 का डेप्रिसिएशन, 2020 का डेप्रिसिएशन ये आना चाहिए ना। 3500 मैंने माइनस कर दिए सर, 3500 और 3500 मैंने माइनस कर दिए। ओके सर, अब ये 2021 के अंदर, 2021 के अंदर हमारे पास में कितने वैल्यू पे आई है? हमारे सामने 7,000 माइनस कर दो 35,000 में से, तो 28,000 रुपए वैल्यू पे आई है। अनरिकॉर्डेड थी ये, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड एसेट थी। आज 2021 में ये रिकॉर्ड की गई है 28,000 रुपए पे। मुझे आप ये बताइए कि सर, इस साल का डेप्रिसिएशन, यानी कि साल 2021 का डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज करने वाले हैं? क्या आप 3500 3500 3500 3500 पक्का? हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 3500 या फिर आइडेंटिफाइड अमाउंट को ही मैं ओरिजिनल कॉस्ट मानू। अब मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है जी। अब मैंने थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया आपके दिमाग में। आपने कहा ओरिजिनल कॉस्ट, मैं कहता हूं हाँ ओरिजिनल कॉस्ट। अब मुझे ये बताओ ओरिजिनल कॉस्ट किसको मानू बाबू? इसको मानू ओरिजिनल कॉस्ट, या जिस कॉस्ट पे इसको आज आइडेंटिफाई किया है उसको ओरिजिनल कॉस्ट मानू? मन गवाही दे रहा है ना कि जिसपे आज आइडेंटिफाई किया है उसको ओरिजिनल कॉस्ट मानू। ये जवाब बिल्कुल सही है। जिस कॉस्ट पे आज आइडेंटिफाई हमने इसको किया है उसी कॉस्ट पे हम इसको क्या नाम है करेंगे। मन तो ये कहता है, लेकिन सर आंसर के अंदर 3500 यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमने क्या नाम है इसको डेप्रिशिएट किया हुआ था। ओरिजिनल कॉस्ट हमने किसको माना? 35,000 रुपए को माना। क्यों? वो कह रहे हैं पता तो था ना कि 35,000 की खरीदी है, अनरिकॉर्डेड थी बेटा, कहां पता था। लेकिन अच्छा, इसका कहीं और भी तो इफेक्ट पड़ना चाहिए क्या? क्या बोलो ना इसका? चलो मैंने मान लिया, इसकी यहां तक बात खत्म कर दी हमने। ये 3500 आना चाहिए, ये मैंने तुम्हें बता दिया, इसका कहीं और भी इफेक्ट आना चाहिए क्या? बैलेंस शीट में मशीनरी को मशीनरी आएगी सर, अगर अनरिकॉर्डेड मैं कह रहा हूँ सर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैंने डाल दिया, कहीं और भी कुछ होना चाहिए क्या? पीएनएल अकाउंट पे भी डेप्रिसिएशन डाल दिया, चलो अभी भी कहीं और कुछ होना चाहिए क्या? नहीं लास्ट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन चार्ज करने पड़ते हैं डेप्रिसिएशन। मैं कह रहा हूँ सुनो मेरी बात, मैंने ये कहा डेप्रिसिएशन मैंने पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दिया, ये बात मान ली।
मैंने इसे बैलेंस शीट के अंदर इस वैल्यू पे दिखा दिया कितनी बच गई, ये वैल्यू वैल्यू बच गई, ये भी बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब कहीं और कुछ होना चाहिए क्या? तो आपने दिखाया ही नहीं लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन, आपने तो सिर्फ 35,000 पे 3500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। क्या सर एक बार फिर बोलना? आपके अकॉर्डिंग सर आपने सिर्फ 3500 पे 35,000 पे 3500 का वो डेप्रिसिएशन लगा दिया लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर के नहीं लगे थे वो डेप्रिसिएशन। में मैंने कहीं नहीं दिखाए, आप ये कह रहे हो लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन मैंने कहीं नहीं दिखाए। हां सर, सर लायबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व शो ये आया बाबूजी पकड़ में एक बंदा, इसने बात बोली सही थोड़ी सी। एक बार फिर आइयो बेटा सामने, कौन था? यस सर मोहित। मोहित लायबिलिटी साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी अमाउंट आना चाहिए, लेकिन ना ये पार्टनरशिप नहीं चल रहा, ये रिवैल्यूएशन नहीं चल रहा किसी भी तरीके से। यहाँ आइडेंटिफिकेशन हुई है तो मेरे बच्चे ने ना बात बड़ी दुरुस्त बोली है कि लायबिलिटी साइड पे भी कुछ आना चाहिए। सर क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी आएगा 35,000 रुपए लायबिलिटी साइड पे, अनरिकॉर्डेड था ना। अनरिकॉर्डेड को जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो कैश पे तो तुम मानोगे नहीं, इसको क्रेडिट पे मानोगे। क्रेडिट पे मानोगे तो क्रेडिटर फॉर प्लांट एंड मशीनरी लायबिलिटी साइड पे भी आएगा। और जब तुम जैसे ही तुम इसको 35,000 रुपए पे रिकॉर्ड करोगे ना, 28,000 पे तो नहीं ना कर सकते, 28,000 पे क्रेडिटर तो मानेगा नहीं, मार देगा वो तुम्हारे को पकड़ कर। तो 28,000 रुपए इसको कर नहीं सकते, 35,000 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे ही 35,000 रुपए का क्रेडिटर हमारे को दिखाई देगा तो हमें पता लगेगा कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 35,000 थी जो मैडम ने कहा, इस वजह से हमने इसको 3500 रुपए से इस साल डेप्रिशिएट किया है। अगर क्वेश्चन में कहीं ये हो जाए ना कि ये कैश परचेज थी, कैश पे परचेज की गई थी, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो हम अपने हिसाब से इसको 2800 पे ही डेप्रिशिएट करते। तो जो 3500 पे डेप्रिशिएट किया गया है ना, उसका भी लॉजिक है कि उसकी ओपनिंग कॉस्ट पता लग चुकी है। क्यों पता लग चुकी है? क्योंकि बाबूजी क्रेडिटर्स हमारे सामने आ गए हैं। दरअसल हुआ पता क्या होगा, हुआ यही होगा कि हमने एक प्लांट एंड मशीनरी को अनरिकॉर्डेड दिखा रखा था, रिकॉर्ड नहीं कर रखा था बुक्स में, लेकिन जिसने पैसे लेने होते हैं उसको तो याद रहता है ना कि मैंने पैसे लेने हैं। वो आया होगा हमारे दरवाजे पे, 35,000 क्यों नहीं देते हो मेरे? हमने कहा कौन से 35,000 पे, कौन है तू? बोलता मैं क्रेडिटर, ये देखो तुम अपने रिकॉर्ड्स में देखो। हमने कहा रिकॉर्ड में तो तू नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा याद आ रहा है हमारे को कि हमने ऐसी कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी और स्टॉक का हमने ऑडिट किया, स्टॉक कह रहा हूँ प्लांटेड मशीनरी का ऑडिट किया, तो वो और क्या नाम है मशीनरी सामने आ गई जिसके ऊपर की टैग उसी बंदे का लगा हुआ। हमने कहा हाँ गुरुजी गलती हो गई, आज तक ना हमने इस प्लांटेड मशीनरी को रिकॉर्ड किया था और ना ही आपको अपने पास रिकॉर्ड किया था। वो कहता मैं अमेरिका चला गया था इस वजह से, ठीक है जी, वहां लॉकडाउन के अंदर फंस गया था इस वजह से, आज 2 साल बाद आया। तो हमने फिर दोनों को ही रिकॉर्ड करना, कहानी के माध्यम से सिखाया है मैंने, केवल कहानी सुन के पुराना मत। ये बड़ा प्यारा पॉइंट था, पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था ये और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अच्छा जी, कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है ना, भागा मत करो उससे, वही हमारे को ज्ञान वृद्धि करती है हमारे। अब आज के बाद ऐसा कोई भी पॉइंट तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमने कहानी भी सुन रखी है और हमें ये पॉइंट हमने किया भी हुआ अपने हाथ से। हाँ जी बोलिए। रियल टाइम में मेरे साथ हो गया था, एक एसेट को हमने रिकॉर्ड तो कर लिया था और उसका पैसे ही नहीं थे। हाँ तो फिर आपने उस पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि हाँ आपने इसको क्रेडिट पे परचेज किया था। बिल्कुल होता है सर, बिजनेस के अंदर बहुत सी चीजें, इंसान ही है यार रिकॉर्डिंग करने वाला। अच्छा चलो वापस आते हैं यार अपने क्वेश्चन पे। 1000 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस थे, उसका क्या करा हमने? जो लास्ट ईयर के थे। यस सर। गुरुजी पीएनएल अकाउंट के अंदर करंट ईयर के ड्यू एक्सपेंडिचर ही आते हैं, आप मानते हैं इस चीज को? यस सर। तो सर आज का ड्यू ही तो लिखोगे, पास्ट ईयर का तो पास्ट ईयर में लिखना चाहिए था, और अगर नहीं लिखा गया है ना तो सुनो इसका भी, ये बच्चे ने एक पॉइंट पूछा है, अब इसको भी घर तक छोड़ करके आना है मुझे।
सेटिस्फाई करना है। मैं आपको इसकी असल बात बताऊं कि पास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन का क्या होगा, आपके पास में एक्युमुलेटेड पीएनएल अकाउंट होगा ना क्रेडिट साइड पे, पीएनएल का बैलेंस होगा ना क्रेडिट साइड पे, वो एक्युमुलेट होकर के लास्ट ईयर से तो जनरेट हुआ है ना, उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे तो वहां पे माइनस हो सकता है अगर आप इतना लंबा चौड़ा जा रहे हो। पास्ट ईयर के जो एक्युमुलेटेड बैलेंस थे, आपने ऐसे क्वेश्चन पार्टनरशिप के अंदर किए हुए हैं सर, ट्रस्ट में, पास्ट ईयर के जो हमारे पास में और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर भी किए हुए हैं आप लोगों ने, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट याद आया, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं इसके लिए। लेकिन सर हमारे क्वेश्चन की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि पास्ट ईयर के क्या नाम है अकाउंट्स को भी हम जो है वो सेटल करें, एडजस्ट करें, तो हमने इस पॉइंट को जो पिछले दो सालों के डेप्रिसिएशन थे उसको हम कुछ नहीं करते, लेकिन किया जाना चाहिए, और अगर करना है तो कहां जाना है, पास्ट ईयर के जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनको कम करना पड़ेगा। ओके सर, रिवीजन किस चीज की होगी, कौन सी रिवीजन, जो पास्ट ईयर में अगर हम डेप्रिसिएशन दो साल के लेते हैं, हाँ जी, तो इस साल में रिकॉर्ड करेंगे ना, बताओ, नहीं इस साल में केवल इस साल का रिकॉर्ड करेंगे 3500 रुपए, और जो लास्ट ईयर्स के है ना, लास्ट ईयर के जो डेप्रिसिएशन हैं वो अगर एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बनेगा ना तभी उसको माइनस किया जाएगा, तो ये भी हमारे लॉसेस थे, इससे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं हमारे, लेकिन ऐसा करना हमारी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के अंदर इस लेवल पे नहीं है, तो वो लॉसेस वाला जो पॉइंट था उसको हम हटा देते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वाले एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट हमें नहीं बनाना। अच्छा सर आगे चलें, इसमें देखें जरा, चलो मेरे ख्याल में बच्चों को ना बहुत मजा सा आ गया इसके अंदर। बैलेंस शीट में आप लिखेंगे 28,000 माइनस 3500, ठीक है जी, और आप पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे 3500 इस साल का डेप्रिसिएशन, और आप यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी 35,000, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है जी। अगर अनरिकॉर्डेड होता और कैश में खरीदी थी तो क्या होता, आवाज तेज करो, अगर अनरिकॉर्डेड होती और कैश में खरीदा होता तब क्या होता, अगर क्या होती सर, अगर अनरिकॉर्डेड एसटीडी होती तो कैश में खरीदा हुआ होता, अनरिकॉर्डेड एसेट है, कैश में कहां डाला सर हमने, हमने तो क्रेडिटर्स में, सर अगर कैश में खरीदा होता तो, अगर कैश में खरीदा होता तो, यस सर, अनरिकॉर्डेड एसेट ना कभी कैश में हम मानते नहीं है सर, इस वजह से, ओके सर, अनरिकॉर्डेड है ना वो, तो हम उसको क्रेडिट पे ही मानते हैं सर, रूल है। अच्छा जी सुनो, अब तीसरी बार हटा रहा हूं मैं इसमें यहां से, अच्छा चलो कोई बात, आज तो नहीं खराब कर दी सर आपने, भी वैसे ऐसे ऐसे बैठा हूँ थोड़ी थोड़ी आदत से, छोटी छोटी आंखों से देख रहा था, आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको उठा के चला दिया, वो नाराज हो गया मेरे से, इतनी खराब कर दिया आपने। अच्छा देखो इधर सुनो, डेप्रिसिएशन लगाना है हमने, ठीक है सर, प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा, ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने हैं 5% क्रेडिटर्स के डेटर्स के ऊपर, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 लिखा है, अमाउंटेड टू ₹3,000 पर अनपेड विच मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है आउटस्टैंडिंग है हमारे को पता लग रहा है, हाउएवर सैलरी इंक्लूड 2,000 इज पेड इन एडवांस, सर ये कैसे हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीपेड भी है, बिल्कुल हो सकता है सर,
हो सकता है मेरे दो डिपार्टमेंट हो या फिर दो एम्प्लॉई हो, एक को एडवांस में दे दिया और एक को रोक करके रखा हो, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भावुक नहीं होना। तो जो एडवांस सैलरी है वो क्या हो जाएगी सर, माइनस हो जाएगी, और जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि करंट ईयर के खर्चे हमने लिखने होते हैं केवल। अच्छा, प्रीपेड जो है यानी कि वो जो एडवांस है वो करंट ईयर से रिलेटेड तो है नहीं, है ना जी, करंट ईयर से रिलेटेड तो है नहीं, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसको वहां से हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग इसी साल का खर्चा है तो उसको ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस अमाउंटेड टू रुपीज 2000 इज प्रीपेड, ओके सर, ठीक है, प्रीपेड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे, और साथ में क्या करेंगे सर, एसेट साइड पे प्रीपेड को लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर ये वाले भी और सैलरी जो प्रीपेड है वो वाली भी, और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे, बिल्कुल सही। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8000 रुपए, यानी कि आउटस्टैंडिंग पे ही, तो ऑफिस एक्सपेंसिस के अंदर एड हो जाएगा 8000 रुपए और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भी आ जाएगा। स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस 6000 रुपए, ड्रॉइंग्स हैं ये कैपिटल में से कम हो जाएंगी और परचेजेस में से कम हो जाएंगी, बिल्कुल सही, परचेजेस में से कम हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे स्टॉक लिखा है सर, कैश नहीं लिखा, ओके। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सी पॉइंट थे 1995 में, जिसको ये क्वेश्चन आया होगा उसको तो बहुत अच्छा लगा होगा अंदर से। अच्छा, अब इन सभी पॉइंट्स को हम अपने मेन क्वेश्चन के साथ में जोड़ देंगे। जी सर, तो ये हमने ना सारे के सारे टिक लगा लिए, अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अपने को क्या करना है सर, एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, फटाफट से एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अपन बना लेंगे, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, यहीं पे ही बना लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी निकाल लो फटाफट से, ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा पीएनएल अकाउंट, और एक छोटी सी बैलेंस शीट भी यहां पे बना लेते हैं। ठीक सर, चलो ट्रेडिंग अकाउंट, देखो एक बात बताऊं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट क्रेडिट आप इसको तमीज से बनाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में, मतलब जब आप एग्जाम में करेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम, मैं अभी सिर्फ टी फॉर्म में कर रहा हूं लेकिन फॉर्मेट में अलग से समझा दूंगा अगर नहीं आता है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग स्टॉक, चाहे हो या ना हो क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना, निल लिख दो, ठीक है जी, कोई बात नहीं। टू परचेजेस, ठीक है। अच्छा, परचेजेस हमारे पास में कितनी थी, परचेजेस हमारे पास में थी सर 150,000 रुपीज की, ठीक है सर, और इसके अंदर से मैंने जो ड्रॉइंग्स की थी उसको माइनस करना है ना, तो मैं क्या कर दूंगा सर, माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग्स, वो थी मेरे पास में 6000 रुपीज की, तो मेरी टोटल हमारा अमाउंट कितना आ गया है यहाँ पे, परचेज रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी है, देखो उन्होंने बताया सर नीचे जाओगे आपको परचेज रिटर्न भी मिलेगा, फिर आपको दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए अभी ही कर लो, ठीक है सर। हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न मेरे पास में लिखी हुई है सर 5000 रुपए, ठीक है, तो 5000 और 6000 11000 रुपए यहाँ पे माइनस हो गए, कितना आ गया सर 1,39,000, ठीक सर 1,39,000 है, वो थोड़ा जीरो दब गया है लेकिन ध्यान रखना। अच्छा, आगे चलते हैं सर, दो चीजें हमें एज इट इज लिखनी है और क्रेडिट साइड पे हमारे को क्या लिखनी है सर, सेल्स लिखनी है, ये ट्रेंड हमें फॉलो करना ही करना। तो मेरे पास में सेल्स दी हुई है सर 3,21,000 रुपए की, और साथ ही इसके अंदर मैंने क्या माइनस कर देना है, सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न मुझे दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपए की,
तो परचेज और सेल्स के साथ में ना रिटर्न अगर दी हुई है, ध्यान से करना है उसको, पहले ही एडजस्ट कर देना, माइनस कर देना 3,11,000 रुपए। और अभी एक चीज और है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ जाता है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, वो क्रेडिट साइड पे आता है, एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 60,000 रुपीज। ये जो चार चीजें है ना बच्चों, चौथी चीज होना ना होना डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन ना ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ, हाँ लिखवा देता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास में, ये जो हमारे पास में चीजें है ना, ये चार चीजें ऐसे एज इट इज फिक्स रखना, ऊपर नीचे मत करना, ठीक है, ये फॉर्मेट के अंदर। ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेजेस लिखनी है, सेल्स लिखनी है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ये एडजस्टमेंट में दिया है या ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ओके सर, अच्छा ओपनिंग स्टॉक मेरे पास में कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपीज, तो ये 50,000 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन के पास में, सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है सर, कैपिटल लिखी हुई है। कैपिटल मैं कहाँ लिख जाता हूँ, कैपिटल में बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी थी सर, 1,00,000 रुपए की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट होगी। अच्छा, सबसे पहले कैपिटल थी, कैपिटल के बाद फर्नीचर है, और फर्नीचर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, चलो जी फर्नीचर के पास, फर्नीचर कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, तो हमने लिख दिया सर सबसे ऊपर क्या, फर्नीचर, ये फर्नीचर मैंने लिख दिया। और फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था हमारे पास में 20,000 रुपए, और फर्नीचर के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना था ना, माइनस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन 10% से, 10% से, ठीक है सर, तो 2,000 रुपीज माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा फर्नीचर 18,000 रुपीज का। ओके सर, अब ये डेप्रिसिएशन को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना चाहिए। हाँ जी सर बोलिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, यस सर। फिर ठीक है, एक सेकेंड पूरा ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, बीच बीच में ना दिक्कत, वरना मैं ही खराब करूंगा तो तुम भी खराब करोगे, ध्यान से एक बार ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैपिटल दिया हुआ, फर्नीचर दिया हुआ है, परचेजेस दिए हुए, डेटर इंटरेस्ट और सैलरी सेल्स परचेज रिटर्न वेजेस रेंट सेल्स रिटर्न बैड डेट्स क्रेडिटर ड्रॉइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हुए हैं, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी हुई है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब सुनो मेरी बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एसेट की रिस्पेक्टिव वैल्यू से माइनस कर देते हैं, लेकिन ना हमारे क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है, हमने ना पॉइंट गलत नहीं किया, हमने पॉइंट गलत नहीं किया, आपको काटने की जरूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था सर, 2000 ही था, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 20,000 था, 20,000 का कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा, तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम लिख देंगे 2,000 रुपए, और यहां नीचे जाएंगे ना जब बैलेंस शीट के अंदर, तो हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वहां पे हम क्या कर देंगे सर, प्रोविजन को भी यहां से माइनस कर देंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस प्रोविजन, प्रोविजन पुराने कितने थे, 2000 के, और इस साल कितने के हैं, 2000 का ही है, तो टोटल प्रोविजन कितने का हो गया, डेप्रिसिएशन के अंदर ही चला जाएगा ना वो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना, 4,000 रुपए, तो मेरे एसेट की नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ठीक ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, पहला वाला भी माइनस कर दिया और इस साल का भी माइनस कर दिया, क्योंकि वो हमारे पास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चल रहा है ना, तो 2000 का तो ओल्ड है प्लस 2000 इस साल, वो डेप्रिसिएशन भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ही चला गया। अच्छा
नेक्स्ट हमारे पास में दिया हुआ सर, हाँ जी सर बोलिए सर, एक बार वो वाला पॉइंट बता दो कि ड्राइंग माइनस क्यों हुआ परचेजेस में से। बेटा देखो वहां पे लिखा हुआ है कि हमने जो गुड्स परचेज की थी ना, हमने गुड्स परचेज की थी सेल करने के लिए, तो परचेज अकाउंट के अंदर कोई चीज तभी लिखता हूं जब वो सेल्स करने के लिए रखी जाती है, तभी तो वो हमारी गुड्स होती है ना। अब इसकी सेल तो हुई नहीं, ये मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली, यानी कि ड्राइंग्स कर लिया, तो इससे क्या होगा, मेरा एक तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और दूसरा मेरी ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी या फिर मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम हो जाएगी ड्रॉइंग्स के इन काइंड है, और ड्रॉइंग्स इन काइंड का कहां पे इफेक्ट आता है, परचेजेस पे। हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं गुड्स के साथ में, एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा इनकम। आ रहा होता है तो उसको हम सेल्स कहते हैं, जा रहा होता है उसको हम परचेज कहते हैं, तो हमारी परचेजेस भी डिक्रीज हो जाती है उन चीजों के लिए जिनको हमने या तो चैरिटी किया है, फ्री सैंपल दिया है, ड्रॉइंग्स किया है, और बोलो अपने स्टाफ को सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। ये सारे पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में करवाए, 5 पॉइंट, ठीक सर। तो हम इसको परचेजेस को माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको बेच नहीं पाए, अगर बेच पाए होते तो हम इसको इनकम मानते, और इनकम मानते तो एक्सपेंस भी होता परचेजेस को भी, यानी कि अगर सेल होगा तो ही परचेज होगी। अगर एक चीज को तुम बेच रहे हो और उसके ऊपर सेल कर रहे हो तो ही माना जाएगा कि परचेज जो है वो की गई चीज, अदरवाइज क्या माना जाएगा सर, आप परचेजेस भी कम कर दो, ठीक है, चाहे आपने उसको ड्रॉइंग्स के वे में किया हो, चाहे अपने क्या नाम है एम्प्लॉय को दिया हो, या फिर कोई और भी यूज किया हो, पांचों यूज में से कोई भी दिया। अच्छा सर, नेक्स्ट हमारे पास में है सर, कैपिटल हो गया, फर्नीचर हो गया, परचेजेस हो गया हमारा, डेटर्स, डेटर्स के बारे में दिया हुआ है कुछ, और डेटर के बारे में क्या दिया हुआ है, डेटर है हमारे 2 लाख रुपए के, और डेटर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है क्या, प्रोविजन बनाना है हमने 5% का। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे बैड डेट्स दिए हुए हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, क्या प्रोविजन बनाने से पहले इनको कंसीडर करूंगा? नो सर। बेटा ये बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाले हैं, और ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स का मतलब है ऑलरेडी, देखो ये बैड डेट्स कहां आए हुए हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 7,000 रुपए के ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं, यानी कि अगर ये यहाँ पे नहीं होते तो हमारे डेटर्स पता है कितने होते, जो 2 लाख दिख रहे हैं वो 2,07,000 दिखते, तो ये आफ्टर राइटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बैड डेट्स ही है, तो हम इसको कुछ नहीं करते। एक बार फिर से याद करवा दूं कि जो हमारे बैड डेट्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में, उनको सिर्फ हमें चार्ज करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके होते हैं डेटर्स में, तो उनको हमें और कुछ नहीं करना होगा। तो इस तरीके से हम डेटर्स के ऊपर क्या करेंगे, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना देंगे इस क्वेश्चन में। कितने का प्रोविजन बना देंगे सर, 5% का हमने प्रोविजन बनाना है। अच्छा, अब प्रोविजन जब हमारे पास में है, हमने प्रोविजन बनाना डाउटफुल डेट्स, तो अपने दिमाग में एक बात लेकर के आना, चेक कर लेना क्या कोई ओल्ड प्रोविजन भी है क्या। पहले तो न्यू प्रोविजन कितने का बनेगा, बताओ 2 लाख रुपए के ऊपर 2% कितना हो गया, 4,000 रुपए। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिखाई दे रहा है ऑलरेडी 6,000 रुपए, देखा आप लोगों ने, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, 10,000 है सर, 5% बनेगा, 2% नहीं बनेगा, 5% बनेगा ऐसा लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 5% बनेगा, तो कितना हो गया हमारे पास में 2 लाख रुपए का 10,000। अच्छा चलो 10,000 हमारा न्यू है, और ओल्ड कितना है 6,000। अब मुझे ये बताओ कि इसका क्या करो, एक्सपेंडिचर है 4,000, सब कॉमन डेब्ट आ जाएंगे 4,000, वो देखो एक कॉमन डेट्स वाला भी आया,
कॉमन डेट्स वाला भी आया। बहू जी कॉमन डेट्स कहां से आ गए, जरा आना सामने एक बार, ये कॉमन डेट्स कैसे आ गए सर? इंटरेस्ट अर्न, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न क्या है सर? हमारी इनकम है, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अर्न। कितना अमाउंट है? 4000 रुपए। सैलरी के साथ में एडजस्टमेंट है तो हम सैलरी पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं पहले, टू सैलरी, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग और माइनस कर देंगे प्रीपेड वाला। आउटस्टैंडिंग कितनी थी और प्रीपेड कितना था? आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 3000 रुपए और 2000 रुपए प्रीपेड थे और हमारी जो सैलरी थी वो थी 30000 रुपए। तो 30000 रुपए में ऐड कर दो 3000 और 2000 रुपए माइनस कर दो तो कितना आ जाता है ये अमाउंट? ये अमाउंट हमारे पास 31000। ठीक है, सेल्स हमने कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, वेजेस आ जाएगा, टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस का अमाउंट है हमारा 20000 रुपीस। रेंट हमारा पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, ये मैंने रेंट लिख दिया यहां पे 15000 रुपए। सेल्स रिटर्न हम कर चुके हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये हम लिख देंगे, टू बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। इसके बाद है क्रेडिटर और ड्रॉइंग्स दी हुई है 24000 रुपए। अब ड्रॉइंग से जुड़ा हुआ पॉइंट देखो, एक तो काइंड में ड्रॉइंग है 6000 रुपए की और एक 24000 रुपए की है, तो हमें क्या लिखना है? बैलेंस शीट में दो चीजें लिखनी है, एक तो क्रेडिटर लिख देना, क्रेडिटर्स, ठीक है, और साथ ही हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, ड्रॉइंग्स माइनस कर देनी है, कैश वाली और सर काइंड वाली। काइंड वाली थी 6000 रुपए और कैश वाली थी मेरे ख्याल 24000 रुपए जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है ना, ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी। अच्छा, क्रेडिटर्स कितने के थे? क्रेडिटर्स 120000 के थे, देखना एक बार। यस सर। ठीक है, 120000 क्रेडिटर लिख दिया। चलिए वापस आते हैं अपने पास। क्रेडिटर्स के बाद में लिखा है सर ड्रॉइंग्स कर लिया हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी समझ लिया हमने, ठीक, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास में कितना है? 8000 रुपए का पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है 8000 रुपए। ड्रॉइंग्स पीएनएल नहीं, क्या ड्रॉइंग्स पी एंड एल? अच्छा एक सेकेंड ठहर जा, ये बच्चा कह रहा है ड्रॉइंग्स पी एंड एल में नहीं आएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करना बेटा, ड्रॉइंग्स का इफेक्ट कहाँ पर था? एडजस्टमेंट वाली क्या है सर? एडजस्टमेंट वाली, हाँ एडजस्टमेंट वाली ही क्या है, कोई भी ड्रॉइंग्स हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रॉइंग्स जो थी उसका इफेक्ट कहाँ? अच्छा एडजस्टमेंट वाली तो काइंड वाली है, तो उसको तो हमने ऑलरेडी डेबिट साइड पे परचेजेस में से माइनस कर तो दिया है सर। एक्सपेंस थोड़ी है कोई भी। ओके सर, क्लियर। ड्राइंग्स का इफेक्ट सुनो, अब सुन लो, अब भागो मत, अब पूछा है तो बता के जाऊंगा। ड्राइंग्स का इफेक्ट दो जगह आता है सर, अगर कैश वाली है तो कैश में इफेक्ट आएगा और साथ ही इफेक्ट आएगा कैपिटल के ऊपर, कैश कम होगा और कैपिटल कम होगा। और सर अगर काइंड वाली ड्रॉइंग है तो परचेजेस कम होंगे और साथ में कैपिटल भी कम होंगे, ठीक है जी। अब मेरे को ना कुछ बच्चे ये पूछते हैं, कहते हैं ठीक है इसका मतलब आप कैश भी कम करने वाले हो क्या 24000? बोलो, कैश कम करूंगा क्या? नो सर, नो सर, वो ऑलरेडी हो चुका है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के अंदर ले यार, ये भी ले जा, ले जा यार, प्लीज ले जा। इतने गंदे तरीके से दांतों की तरह चबाने लग रहा है अपने पेन को, मतलब क्या मजा मिलता है यार, प्लास्टिक चबा रहे हो यार, छोटे बच्चे टीथ आ रहे हैं तेरे, दुष्ट।
तो मेरी छोटी सी गुड़िया उसके टीथर ला दूंगा मैं तेरे को, वो भी यूज नहीं करती है। आजकल तो लोग इतने खुद समझदार हो गए हैं, वो लोग अपने बच्चों को नहीं देते, ये पेन चबा रहा है ऐसे बैठ करके गंदा देख करके, ऐसे वॉमिट होने को हो जाती है मेरे को, इनको खा करके नहीं होती, प्लास्टिक चबा रहा है लल्लू। देखो क्या मैं कह रहा था, हाँ पता नहीं कहाँ था, किधर पहुंचा था बेटा, क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, ड्राइंग तो कैश लेते हैं, ड्राइंग कहां पर कैश कम नहीं करेंगे, कैश और काइंड वाली ड्राइंग तो बता दी थी, उसके बाद कुछ बोलने जा रहा था सर, आपने कहा था कैश कम नहीं करते सर, मैंने कहा कि कैश पे से एडजस्ट करेंगे क्या, नहीं बेटा देखो मेरी बात सुनो, अकाउंट बनते हैं किससे, जब फाइनल अकाउंट की फाइनल फिगर आ जाती है ना, सारे अकाउंट की फाइनल फिगर आ जाती है ना, वो फिगर कहां जाती है, ट्रायल बैलेंस, तो वो सारी चीजें एडजस्ट होकर के ही आई हुई है, तो कैश कम मत कर देना। अच्छा आगे चलते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद इंश्योरेंस का पॉइंट है सर, तो मैं यहां लिख देता हूं, तो इंश्योरेंस और इंश्योरेंस है हमारे पास में कितना, 12,000 रुपए, और इसके ऊपर कुछ प्रीपेड था शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है। इंश्योरेंस कितना है सर, 2000 प्रीपेड था, 2000 प्रीपेड था, माइनस कर देंगे सर प्रीपेड 2000, तो आ जाएगा सर 10,000 रुपीज। और प्रीपेड इंश्योरेंस को कहां लिख दूं, प्रीपेड इंश्योरेंस को यहां पे लिख दूंगा एसेट साइड, एक सेकेंड सर सबको लिखेंगे, वही मैं कर रहा था, मैं अभी बताता हूं आपको, मालूम है क्या मैं यही बोलने जा रहा था, बच्चे ने बोला पता है कई बार ना काम करते करते ना आप भूल जाते हैं, उसका भी एक सिस्टम बताता हूं, यहाँ पे जैसे आप जो लोग गलतियां करते हैं ना उसका भी सिस्टम बताऊंगा। मान लो हम ना कुछ चीजें भूल गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी लिखना भूल गए, अभी भूल गए, उसका सिस्टम बताते हैं, अभी भी मेरे को याद नहीं आया यही मानते, ठीक है जब आंसर पूरा कर लेंगे तब देखेंगे। अच्छा जी उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक कर चुके हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस को लिख देंगे सर, यहाँ पे मेरी जगह नहीं बची है, मुझे यहाँ से एक दो आइटम उड़ानी पड़ेंगी, इसको भगा देता हूँ, सैलरी को नहीं भगाना चाहिए। एक सेकेंड सर, ये बैलेंस शीट हटा दो, मतलब उसका नाम नाम हटा दो बस, नीचे कर दूंगा इसको थोड़ा सा बस, ठीक है जी, ये हमारा पीएनएल अपना चालू है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंश्योरेंस के बाद में ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस 12,000 रुपए के, और इससे जुड़ी हुई एक एडजस्टमेंट भी है, बोलो ऑफिस एक्सपेंस के बारे में क्या लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग थे तो ऐड कर दूंगा 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग, 20,000 रुपए आ गए, बस ये पूरा हो चुका है मेरे ख्याल में, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास में 3,11,000, एडजस्ट करके मेरे को इसके ग्रॉस प्रॉफिट बताइए जल्दी से, 7,32,000। हाँ जी बच्चों, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो गया, और हमारे पास में हमारे ग्रॉस प्रॉफिट आ गए, बैलेंसिंग फिगर 162, इनको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है सर, ट्रेडिंग से पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और फिर हमारे पास में नेट प्रॉफिट्स आ गए कितने के, 69,000 रुपीस, 69,000 रुपीस के हमारे पास में नेट प्रॉफिट आ गया। ओके सर, अब ये नेट प्रॉफिट्स कहाँ चले जाएंगे, ये नेट प्रॉफिट्स हमारी कैपिटल के अंदर चले जाएंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक, तो ये मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे प्रॉफिट्स 69,000। अब मुझे पता लगानी है कि मेरी कैपिटल कितनी आ गई है, 1,35,000, बच्चा बता
139,000। ठीक सर, क्रेडिटर्स मैंने लिखे इनमें, बाकी सारी चीजें लिख चुका हूं। अब हम लोग है ना क्या गलती कर देते हैं, कभी कभी हमने चीजें भूल जाते हैं, हमने चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो चीजें हमें भूल जाते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पे भूल गया हूँ कुछ चीजें, आओ उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। जब आप अपनी बैलेंस शीट बंद करेंगे ना, उससे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की जितनी भी एडजस्टमेंट है ना, उनको एक बारी नजर मार लेंगे। अब एडजस्टमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे जाऊंगा मैं, क्या मैंने ड्रॉइंग्स को ले लिया है कैपिटल के अंदर? हाँ सर, ले लिया है। ठीक है ना, हाँ सर मैंने ले लिया है। ठीक है, ओके, तो मैंने ये 6,000 रुपए यहां ले लिया। उसके बाद में मैं और नीचे आता हूं, पीएनएल के पास आ जाता हूं, पीएनएल को देखता हूं मैं, सैलरी, क्या मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी को और प्रीपेड सैलरी को बैलेंस शीट में ट्रीट किया है? आंसर इज नो। तो चलो कर देते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया सर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड सैलरी। मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी सर 3,000 रुपए और मेरी प्रीपेड सैलरी थी सर 2,000। अच्छा, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या मैंने इसे ट्रीट कर लिया है? हाँ सर कर लिया है। ओके, ओल्ड और न्यू प्रोविजन एडजस्ट हो चुके हैं? हाँ सर हो चुके हैं, ये भी मैं कर चुका हूँ। चार क्या नाम है ये डाउटफुल डेट्स के अंदर हमने दूसरे सिस्टम के हिसाब से किए हैं, है ना, कर चुका हूं ना, डेटर्स के अंदर से एडजस्ट कर चुका हूं ना न्यू प्रोविजंस को, 10,000 कर चुका हूं। रेंट के बारे में कुछ नहीं है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का कोई लेना देना नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं, इंश्योरेंस प्रीपेड है, क्या इंश्योरेंस प्रीपेड में लिख चुका हूं? हाँ सर लिख चुका हूं। ठीक है, इसके बाद में ऑफिस कुछ आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपए, क्या लिख चुका हूं? नहीं लिख चुका हूं, तो इसको लिख दूंगा उठा के, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000। ठीक है जी, अच्छे, हाँ हाँ लाइबिलिटी में ही आएगा, और मैंने एसेट में लिख दिया गलती से, एक सेकेंड इसको ठीक कर, मैं असल में उसी तरफ चल रहा था, तो उस तरफ लिख दिया आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000। ठीक, और कोई एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे? कोई नहीं, नेट प्रॉफिट में डाल चुका हूं, बैलेंस शीट को चेक करो, 16,000 रुपए, 60,000 रुपए। सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला? क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला, ये रहा सर क्लोजिंग स्टॉक हमारा, कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 60,000 ना, हाँ मैंने बोला सही उसको, 16,000 रुपए 60,000 रुपए, लेकिन लिखा नहीं था। अच्छा, और 1,90,000 रुपए के हमारे पास में डेटर है, और 470 से हो रही है। हाँ जी 270,000 है बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का, 1,39,000, 120 भी है हमारे पास, 3,000 भी है और 8,000 भी है, तो ये हमारी गंदी सी एक बैलेंस शीट, जिसको कि गंदा बैलेंस शीट बोला जाता है इसको, ये मैच हो जाती है केवल सिखाने के लिए। फॉर्मेट सिखाने की बात अलग से है सर, वो फॉर्मेट को अलग से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ आंसर निकाला है, कॉन्सेप्ट सीखे, ये अभी के लिए गंदा गंदा था। ठीक है जी, गंदा गंदा सा हमने काम किया है यहाँ।